स्कूल बस की ठोकर से साइकिल सवार छात्र की मौत। कक्षा 11वीं में पढ़ता था मृतक, परिवार में मचा कोहराम। सोनहा थाना क्षेत्र के सगरा चौराहे पर एक स्कूल बस की चपेट में आने से साइकिल सवार कक्षा 11 के छात्र की मौत हो गई। वह घर से साइकिल लेकर स्कूल जाने के लिए निकला था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। जानकारी के अनुसार सुरहा थाना क्षेत्र के कुरहुई गांव निवासी मोहम्मद मारूफ पुत्र फारूक हुसैन जीसी इंटर कॉलेज अहिरौला में कक्षा 11 का छात्र था। वह घर से साइकिल लेकर स्कूल जाने के लिए निकला ही था कि अभी वह सगरा चौराहे के पास पहुंचा और अचानक पीछे से एक स्कूल बस ने उसकी साइकिल में ठोकर मार दी। ठोकर लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद पहुंची सोनहा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्कूल बस की चपेट में आने से छात्र की मौत की सूचना मिलते ही स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर डुमरियागंज शुद्धौली मार्ग को जाम कर दिया गया। देखते ही देखते वहां पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची सोनहा वाल्टरगंज व रुधौली की फोर्स मौके पर पहुंचकर जाम को खाली कराने का प्रयास किया, तब जाकर जाम को हटाया जा सका। उधर घटना की जानकारी होते ही परिवार में कोहराम मच गया। मृत बच्चे की मां खतीजा का रो रोकर बुरा हाल हो गया। मृतक चार भाइयों में चौथे नंबर पर था। उसके पिता फारूक हुसैन खेती करते हैं। विद्यालय पर तो यहाँ से हम बच्चे सब लोग वहाँ गए, जाम किए, प्रशासन लेट पहुँची है, लेट पहुँची है सूचना देने के बाद एक घंटे बाद। कैसे एक्सीडेंट क्या रहा था।